राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। जिसने समय की कीमत नहीं समझी उसका जीवन दो कौड़ी का भी नहीं। जिसने समय का मूल्य समझ लिया उसका जीवन भी मूल्यवान बन गया। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते थे भक्तमाली जी कि तीन चीजें व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। कण, क्या कण, एक कण भी व्यर्थ मत गमाओ, एक कण भी व्यर्थ मत गमाओ। बहुत से लोगों का अभ्यास होता है तृष्णा पूर्वक ज्यादा ले लेंगे खाने के लिए फिर वो नाली में बह जाएगा, कितना भारी अपराध है। ऐसे पाओ कि एक कण भी व्यर्थ न जाए। हम आपको सच्ची कह रहे हैं, ऐसे महात्मा भी हैं कि आप उनके पंगत कर लेने के बाद पत्तल देखेंगे तो आपको लगेगा कि पत्तल को धो के कपड़े से पूछ के नई पत्तल बिछाई है, ये भी कहीं पता नहीं चलेगा कि इसमें कुछ खाया गया है। रमण ऋषि वाले महाराज जी को हमने पाते हुए देखा, ऐसा नहीं लगता कि इस पत्तल में किसी ने कुछ खाया। एक एक कुल्लर सकोरा होगा उसमें भी पानी डाल के धो के पिए, अन्नम ब्रह्मा। एक कण भी बहुत मूल्यवान है, बर्बाद मत करो। कभी ऐसा समय आएगा कि एक एक दाने के लिए तरस जाओगे। कण व्यर्थ मत कर गमाओ। हम हर चीज बर्बाद करते, कपड़ा बर्बाद करते हैं, रुपया बर्बाद कर, रुपए में आग लगाते हैं। अभी एक सज्जन हमको सुना रहे थे, सस्ते के जमाने में किसी ने लौकिक उत्सव में 2-3 करोड़ रुपया खर्च किया। कितना रुपया, बहुत पुरानी बात है, सस्ते के जमाने में माने कम से कम 50 साल पहले, कितना 2-3 करोड़ रुपए खर्च किया उसने। ऐसी कोई शादी ब्याह का उत्सव था उसमें, तो वे संत के पास गए और संत से कहा कि महाराज जी आप बरबधु को आशीर्वाद देने पधारिए। तो संत बोले कि सोने की लंका जल रही है धू धू करके, बुझाने वाला कोई नहीं, हमको जलने का अवकाश नहीं है। अब जहां लंका में आग लगी है और वहां हम जाएंगे तो क्या होगा हमारा, हम भी जलेंगे। इसलिए भैया जो सोने की लंका जलावे वो जाए, हम तो वहां नहीं जाएंगे। जानते हैं आशय कहने का क्या था, कि तुमने उस धन में आग लगा दी, होड़ लगी है अपने धन को प्रदर्शित करने की। हम बहुत धनाढ्य हैं, आप विचार करो, लाखों की संख्या में गोवंश कचड़े के ढेर पर खड़ा है, भूख प्यास के मारे प्राण त्याग रही हैं गायें, इतने धन में आग लगाई जाती है, उसके छायागृह बनाए जाएं, हरे भरे वृक्ष लगाए जाएं, गोवंश के आश्रय स्थल बनाए जाएं, गायों के लिए हरा चारा विकसित किया जाए। कितने दीन दुखी ऐसे हैं जो बेघर हैं, बिना खाए पिए अपने प्राण त्याग रहे हैं, उनकी सेवा में लगाओ। चलो तुम्हें गो सेवा का भाव नहीं, लेकिन हम केवल अपने अहम को पुष्ट करने के लिए
श्रम से उपार्जित संपत्ति में भी आग लगा देते हैं। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, कण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तमाकू खाने में, बीड़ी पीने में, सिगरेट पीने में, पान खाने में लोग कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं, खा के थूक देते हैं। क्या हुआ? यह है धन की बर्बादी। कण व्यर्थ न जाए। दूसरा है मन व्यर्थ न जाए। मन सद्विचारों से भरा हुआ रहे, और मन व्यर्थ तब तक जाता रहेगा जब तक जीव कथा कीर्तन से नहीं जुड़ा है। ईमानदारी से कथा कीर्तन से जुड़ जाए, स्वाध्याय से, सत्संग से जुड़ जाए, तो उसके मन की चिंतन की धारा ही बदल जाएगी। अहर्निश उसका मन किसी न किसी अच्छे संकल्प से परिपूरित बना रहेगा। हमारा मन व्यर्थ न जाए। देखो, बुराई सबसे पहले मन में आती है, मन के बाद वाणी में आती है, और वाणी में आने के बाद फिर क्रिया में आ जाती है। मन वाणी क्रिया। अब मन ठीक रख लोगे, मन ठीक रहेगा तो वाणी भी पवित्र हो जाएगी, और मन वाणी के पवित्र होने से क्रिया भी पवित्र हो जाएगी। इसलिए मन भी व्यर्थ न जाए। और तीसरा क्या है? क्षण भी व्यर्थ न जाए, एक क्षण भी बेकार न चला जाए। अपने आप को व्यस्त रखो किसी न किसी साधन में, किसी न किसी सेवा में, उपकार में। हर समय भगवान के नाम का, पवित्र नाम का जप करते रहो। दास का ऐसा मानना है कि हमें निष्पाप जीवन जीने के लिए अपने मन को पाप रहित बनाना चाहिए, और मन पाप रहित बनेगा नाम जप से। मानसिक नाम जप से मन पवित्र होगा, मन के पवित्र होने से वाणी पवित्र हो जाएगी, और मन वाणी के पवित्र होने से क्रिया पवित्र हो जाएगी। जिस दिन जीव भगवान की शरण में जाता है ना, जिस दिन ने जिस क्षण अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और नया जन्म हो जाता है। अब शर्त है फिर द्वारा पाप न बने, पाप से बचना कठिन है, उसी का साधन है मानसिक नाम जप। आप करके तो देखो कितना मन में आह्लाद होगा, कितनी प्रसन्नता होगी। नहीं कर सकते हम वाणी से, आप करके देख लीजिए। मानसिक नाम जप। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।